हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं जो कल इंट्राडे मार्केट में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ये दोनों स्टॉक दोस्तों प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस ग्रुप में आप लोगों को अपडेट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज भी मार्केट में बहुत खतरनाक तरीके से हमें गिरावट देखने को मिली। बाकी डे लो से अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी देकर मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, जो हमारे लिए एक बड़ा सा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। और ये सारी अपडेट तो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पता चल गई थी, क्योंकि कल हमारा मार्केट था। अगर कल हमारा मार्केट ओपन होता तो इतनी बड़ी गिरावट आज हमें देखने को नहीं मिलती। खैर, कोई बात नहीं, आगे अगर अच्छा अपडेट आता है या कैसा भी अपडेट आता है तो हम ज़रूर आपको कवर करेंगे। तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए चलते हैं और हमारे फर्स्ट स्टॉक पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों ये स्टॉक हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। कैसे दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी ऊपर से स्टॉक में कंटिन्यू बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, ठीक है। और ये गिरावट में अगर हम देखें तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की भी कोशिश करी, सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन इसी रेंज में एक बार फिर से स्टॉक पर प्रेशर आया, ठीक है। और स्टॉक में कंटिन्यू मूवमेंट दोस्तों हमें प्रेशर वाला देखने को मिला। अब अगर यहाँ से वो सपोर्ट लेता है, ठीक है, और ऊपर जाता है तो इस लेवल को वो ब्रेक जरूर कर सकता है। अदरवाइज़ अगर यहीं पर सेलर एक्टिवेट हो गए, यहाँ पर अगर सेलर एक्टिवेट हो गए तो डेफिनेटली दोस्तों क्या हो सकता है, स्टॉक में प्रेशर आ सकता है नीचे का। क्योंकि अगर आप नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो हमें ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं मोमेंटम किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से, ठीक है। ये काफ़ी तगड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, तो ये वाला पैटर्न भी हमें कंटिन्यू होते देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टॉक को कल की डेट में शॉर्ट करके चलेंगे। कल हम छोटे से पॉइंट के लिए स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। अगर कल ये स्टॉक हमें 406 रुपये पर मिलेगा तो इसको हम बढ़िया तरीके से शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट लगाएंगे 403 रुपये का और दूसरा टारगेट लगाएंगे 400 रुपये का। तीन तीन पॉइंट के दो टारगेट लेंगे जो जल्दी अचीव होने का मोमेंटम देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एसएल की, तो लगभग 409 रुपये का एसएल रखेंगे जो हमें सेफ रखेगा, ठीक है। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होगा तो हम सेकेंड टारगेट का भी वेट करेंगे, लेकिन फिर एसएल को क्या करेंगे, कॉस्ट पर ले आएंगे, ठीक है। तो हम सेकेंड टारगेट का फिर वेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है कोल इंडिया के ऊपर अपडेट, और आप भी अपना टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर यूज़ करिएगा। चलिए एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चैनल है उसका नाम है बैंक निफ्टी किंग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर लगभग 8:40 पे हमने हमारा एनालिसिस का ड्राइंग सेट कर दिया था, ठीक है। फिर हमें जैसे ही हमारे एनालिसिस के हिसाब से ब्रेकडाउन दिखा, बढ़िया पुट साइड में काम किया, एक लमसम टारगेट लिया, ठीक है। उस एक लमसम टारगेट में जैसे फर्स्ट टारगेट यहाँ पर डन हुआ, ठीक है, सेकेंड हमारा दोस्तों यहाँ पर टारगेट डन होते देखने को मिला, थर्ड यहाँ पर डन होते देखने को मिला, फोर्थ यहाँ पर डन होते देखने को मिला, फिफ्थ यहाँ देखने को मिला, ठीक है। फिर एनालिसिस की हमने फोटो भेजी कि हमारा जो परफेक्ट एनालिसिस था वहीं से एक बढ़िया सा ब्रेकडाउन आया और उसको बढ़िया से कैप्चर किया, ठीक है। फिर यहाँ पर अपडेट कर दिया 10:06 की शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, मतलब मार्केट बॉटम पे आ चुका है, यहाँ से मार्केट में रिकवरी आएगी दोस्तों, मार्केट में रिकवरी आएगी। सेम वैसे ही हुआ, चार्ट भी अपडेट किया, चार्ट भी 10:06 पर अपडेट किया। फिर उसके बाद हमने चार्ट भी अपडेट किया लगभग 11:18 पर कि हमारा चार्ट बोल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है, चार्ट भी बोल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने बोला कि चेक करो शॉर्ट कवरिंग आई कि नहीं, फिर चार्ट भी अपडेट किया कि ये देखो ये बॉटम बना था, ठीक है, 49,800 के लेवल पे, बहुत पुराना लेवल है और एक्टिव लेवल है 49,800 का, ये बॉटम बना और ये शॉर्ट कवरिंग है आई, एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा पैसा कमाया। तो डेली बेसिस पे ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में आप लोगों को अपडेट की जाती है, जिससे आपको सीखने को और समझने को मिलता है, ठीक है। और ट्रेडिंग लेते समय आप लोगों की कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ती है। तो जाइए और फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं सेकेंड स्टॉक पर फोकस करते हैं। दोस्तों हमारा जो सेकेंड स्टॉक है वो है JSW स्टील का। JSW स्टील की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी बढ़िया ये स्टॉक देखने को मिलता है, लेकिन बार बार ऊपर के लेवल पे फेल हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी फेल हुआ, यहाँ पर भी फेल हुआ, यहाँ पर भी फेल हुआ, और इसने भी यहाँ पर एक हाई बनाया जब फेल हुआ, ठीक है। तो हाई बनाने के साथ साथ अगर हम देखें तो ये देखिए, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक भी सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं हुआ है, उसको बार बार यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है तो वो ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर दोस्तों कल के मार्केट में थोड़ा सा भी प्रेशर अगर एक्टिवेट हुआ, खास करके इस स्टॉक पे,
तो ये सपोर्ट यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ नहीं ब्रेक हुआ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेक हो जाए। कौन सा पैटर्न बने? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलर का एक्टिवेट होना ज़रूरी है, बस उसके बाद हमें एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो इसीलिए हम इसको सीधा सीधा जो एनालिसिस दिख रहा है एकदम ईजी वाला, उसके अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट करेंगे। अगर कल की डेट में 945 पे मिलेगा तो इसको बढ़िया तरीके से शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने में हमेशा छोटे छोटे टारगेट रखो, थोड़ी हेवी क्वांटिटी रखो जो क्विक से हमें मोमेंटम दे दे। 945 से शॉर्ट करेंगे, 940 का पहला टारगेट, 935 का दूसरा टारगेट, ठीक है, ये हम रख के चलेंगे। और 950 का ऐसे रख कर चलेंगे जो हमें सेफ रखेगा। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होगा तो हम सेकेंड टारगेट का वेट करेंगे, लेकिन SL को हम फिर कॉस्ट पर मेंटेन जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे दो बेहतरीन स्टॉक, दोनों पे हमने हमारा परफेक्ट एनालिसिस आपको अपडेट कर दिया। आप भी अपना एनालिसिस जरूर लगाइए, देन उसके बाद अपने तरीके से काम भी करिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी डेली बेसिस पे अपडेट देते ही है। और फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।